नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAJ24। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बहरोड़ के अंदर अपनी गौरव यात्रा लेके आई। आज बहरोड़ में तीन जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। सबसे पहले जैसे ही वो नीमराणा से निकली, 3 घंटे देरी से थी, लेकिन राठ इंटरनेशनल स्कूल के अंदर लगभग 5,000 लोग उनके इंतजार में बैठे रहे। वर्षा भी आ रही थी, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहा था। बलवान सिंह यादव ने राठ इंटरनेशनल स्कूल में वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही उनका गौरव रथ उनके स्कूल के सामने आया, पहले तो अनाउंस हुआ कि मुख्यमंत्री साहिबा बाहरी जनता को संबोधित करेंगी, लेकिन मान मनोहार के बाद बलवान सिंह यादव उनको स्कूल कैंपस में लाने में कामयाब रहे और वहाँ पर उनका फिर स्वागत हुआ। वसुंधरा राजे ने भीड़ देख करके बलवान सिंह यादव की तारीफ भी की और कहा कि उनको अब ये पहली बार अवसर मिला है कि इस स्कूल के अंदर उन्होंने जो ये काम किया उसे वो काफी प्रसन्न नजर आई। सम्मानित हुआ इसलिए सम्मानित हुआ कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में, जिले में सबसे अव्वल प्रधान आपका बेटा, आपका भाई बलवान सिंह राजे दफा सम्मानित होकर आया। अगर मौका मिल गया, आपका आशीर्वाद हो गया, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके चरणों में विकास कि गंगा ऐसे बहेंगे कि बहरोड़ और राठ का एक एक व्यक्ति कहता है कि इसको विकास कहते हैं, इसको काम कहते हैं, इसे काम कराने के ललक और मन है आपके बीच में। ये हमेशा स्कूल के सामने करता है बलवान, जमीन भी है, रोड भी है और आप भी सब मिल गए। सबसे पहले मैं सब महिलाओं को, आप लोग सबको जो सब सुबह सुबह यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज अच्छी बरसात भी हुई है, उस बरसात के अंदर भी आप लोग रुके होंगे, आप आए, आप लोगों ने इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे इस क्षेत्र के दौरे में अब 2 दिन बाकी बच रहे हैं, मेरे को भी मौका मिल रहा है इस क्षेत्र को फिर से देखने का।
एक साल पहले मैं इस क्षेत्र में आई थी, तब भी चुनाव का ही मौका था। बलवान तब तो तुमने नहीं बुलाया मेरे को, उसने नहीं दिया था, मैं कह रही हूं। अब उसका तो क्या, मैंने तो सबको ये कह दिया है कि वो सर आखिर में जो यहां खड़ा है वो तो चाहता है ना कि चुनाव जीते। तो अगर वो चाहता है कि चुनाव जीते तो वो तो सर्वे कराएगा, जनता की आवाज को सुनेगा, जो भी जनता की आवाज है उस आवाज को बढ़ाएगा। नहीं तो आप मुझे ये कहोगे कि आप जनता की आवाज को सुनते नहीं हो, है कि नहीं? तो जनता की आवाज सुनने का काम मेरा है, उस पे मोहर लगाने का काम आपका है, और हमको और आपको दोनों को काम करना है। जो कैंडिडेट इसमें से निकल के आता है उसका काम है अपनी सेवा करने का, है कि नहीं? हाँ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपका पूरे फंडास जो है वो बिल्कुल सही है, आपने भी तय कर लिया यही काम होना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे टाइम पे इस बलवान ने आप लोग सबको इकट्ठा करके यहाँ हम सब का स्वागत कराने का काम किया है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि अभी तो खाली 3 महीने बाकी बच रहे हैं, अपन देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में वसुंधरा का काफिला बहरोड की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दुगेड़ा मोड़ के पास में पूर्व जिला पार्षद महेंद्र सिंह यादव ने भी काफी लोगों को इकट्ठा कर रखा था और लगभग 5-6 हजार कार्यकर्ता उनके पंडाल के अंदर मौजूद थे। वहां पर भी मुख्यमंत्री रुकी और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि बहरोड के अंदर जब वो जा रही हैं तो हल्का सा उन्होंने इशारा भी किया कि गंदगी के ढेर रास्ते में नजर आए। लेकिन इसके बाद में उन्होंने ये भी प्रशंसा की कि बहरोड के लोग बहुत अच्छे हैं और शायद वो अब सफाई की तरफ भी ध्यान देंगे। मंच के ऊपर महेंद्र सिंह यादव ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 51 किलो की फूल माला से जोरदार स्वागत किया। वसुंधरा राजे, आप सभी से मेरा अनुरोध, वसुंधरा राजे भैया सबको राम राम। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग सब यहाँ मुझे दिख गए, इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे पुरुषगण, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। समझ में नहीं आता आप लोग दोनों जन एक साथ हो जाते तो जरा ज्यादा हो जाते, क्या है मैंने 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, नाक का सवाल है। आप लोग पास पास ही खड़े हो यार, और ये तुम कहीं और कुछ कर रहे हो, तुम्हारी सब मेरे नीचे तो है ही नहीं, मेरे पूछ लो एक एक सब के सब, आप लोगों को धन्य हो। मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्यार से आके इनकी इज्जत भी रख दी, और आप लोग सबने मिलकर हम सब की इज्जत को रखने का काम किया है, उसके लिए मैं सब माताएं बहने आप सबको और इसको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबको इकट्ठा करने का काम इसने इस रोड के ऊपर किया। जिस रोड पे मैं आई हूँ और वो स्टेडियम तक, अगर आप में से किसी को टिकट लेना है ना संदीप, तो मेरे को ये पूरे दोनों साइड रोड के चकाचक चाहिए साफ। वहाँ गंदगी पड़ी हुई है। अरे भैया, इन लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरा एमएलए काम कर सकता है कि नहीं? है ना?
अरे भाई चलो, अभी बैरोड चल रहे हैं, उसके पहले का रास्ते की बात कर रही हूँ मैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ता क्यों भाई हो जाएगा? हाँ कि ना हो जाएगा, इतना तो कर लो यार। हम कलेक्टर साहब को ये कह देते हैं कि एक जगह बता दें आपको कहाँ डंपिंग कर सकते हो, और उसको उठवाना का काम करो। पैसे की कमी किसी में नहीं है। ये सब दोनों जन आप लोगों के साथ मिलके इस रोड को ऐसा सुंदर बना दे कि जहाँ ये लोग आए, नीमराना में पैसे लगाने आता है जो उद्योगपति, वो कहेगा वाह कहाँ आ गया मैं। जिला पूर्व जिला पार्षद महेंद्र यादव जी चुनरी उड़ाकर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। 51 किलो की माला, 51 किलो की माला के साथ हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत। हमारे वरिष्ठ नेता सुभाष गुप्ता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा रामोदार रावत जी, सभी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीधे बहरोड के नव निर्मित स्टेडियम पहुंची। रास्ते में लगभग 1000 बाइकों से युवाओं ने उनका स्वागत किया और एक रैली के रूप में वो बहरोड आई। जैसे ही वो स्टेडियम पहुंची, एक दिन पूर्व जोरदार बारिश हुई थी जिसके कारण स्टेडियम के अंदर बरसात का पानी भी था, लेकिन खचाखच भरा था स्टेडियम। स्टैंड दोनों खचाखच भरे थे। लगभग 10,000 कुर्सियों के ऊपर भी उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 20,000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता स्टेडियम में मौजूद थे। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने वसुंधरा राजे का स्वागत भी किया। खास तौर से अजीत ठेकेदार की मेहनत भी रंग लेके आई और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वसुंधरा राजे के स्वागत के अंदर वहां पे पहुंची। ये सभा नहीं थी, स्वागत कार्यक्रम था, लेकिन जितनी संख्या में भीड़ पहुंची, ये सभा के रूप में तब्दील हो गई। इस कार्यक्रम के बाद में वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से बानसूर के लिए रवाना हो गई। हमारे चेयरमैन नगर पालिका, चेयरमैन हमारी प्रधान रीना जी, आप सबका स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा कोई भी और रुक नहीं जाए, हमारे सब एक साथ मिलके सारे जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री महोदय, जिलाध्यक्ष मोहित जी, मोहित सम्माननीय हमारे यहाँ की यशस्वी मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने यह जवाब मांगा है कि वसुंधरा जी के किस गौरव का हम सम्मान करें, ये उनको शायद शर्म उनके पास है ही नहीं। इनका गौरव किया जाएगा, 60 साल में कृषि मंडी नहीं बनी, वसुंधरा जी ने 1 करोड़ बढ़ा दी, किसान का सबसे बड़ा विकास है। क्या अस्पताल नहीं था, माताओं बहनों को परेशानी होती थी, वो अस्पताल खोल दिया 100 बेड का, इस बात का सम्मान है। यार कहीं बैठने की जगह नहीं थी, मैं होंडा वालों को मुख्यमंत्री जी के पता नहीं याद रख रही है, मैं इनके चैम्बर में लेके गया था और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि मैं के लिए कुछ करूँ, बोला इस बात के लिए स्वागत है। सारी पंचायतों के अंदर गौरव पद बने, इस बात का स्वागत है। बहन बेटियों की इज्जत के लिए, उनके संकट को दूर करने के लिए घर घर में टॉयलेट बना, इस बात का स्वागत है। जो बहन बेटियां कभी सोच नहीं सकती थी मैं भी घर चला सकती हूँ, उनको गैस दिया, इस बात का स्वागत है। इन्होंने सबसे बड़ा बस स्टैंड मंजूर किया, इस बात का स्वागत है। हम जब आई तो एक साइंस सब्जेक्ट मांगा था जो 40 साल से कांग्रेस हो रही थी, साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी दिया, इस बात का स्वागत है। कितने सारे लोग, ये भी तो बोल देते आपका हाईवे कम्प्लीट हो गया, आपका हाईवे कम्प्लीट हो गया, आपका टोल के अंदर किसी को इनमें से किसी को पैसे देने की जरूरत भी नहीं हुई, टोल के अंदर भी पैसे की जरूरत नहीं हुई, पेट्रोल के अंदर भी दाम घट गए, बिजली के दाम भी नहीं बढ़ाए। आइए आइए, चलो जाओ।
बदलेगी। स्वागत कर रहे हैं, इतना काम कि ईमानदारी से आज क्षेत्र के अंदर कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप एक आदमी ये कहता है कि इतना बड़ा दोबारा मुख्यमंत्री बनो तो हमारा जिला बढ़ा देना, हमें नहर दे देना, क्योंकि क्रिटिकल जोन में। और ये बुजुर्ग थोड़ा सा कहे कि यार महंगाई बढ़ गई, मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए कुछ किया। मैंने कहा गहलोत खजानों खाली के गेटों भरे हुए, अब आगे आने वाले समय में इनकी भी पेंशन बढ़ा देना। मैं यही निवेदन आपका बार बार स्वागत। अगले बार का भी इंतजाम कर दिया। मैं तो आप लोगों को दो तीन चीज आप भूल गए, जस्ट कितने सारे रोड बने, ये भी तो बोल देते। आपका हाईवे कंप्लीट हो गया, पेट्रोल के अंदर भी दाम घट गए, बिजली के दाम भी नहीं बढ़ाए। अब ये दो और काम मांग रहे हैं, आगे चल के जिला बना दो, पहले सरकार अपनी आ जाए तो अपन बात करो। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल जो 13 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रही है चंबल नदी से, और वो चंबल नदी से 37,000 करोड़। अरे वो पीछे बैठे हुए उसके ऊपर स्टेडियम की दीवारों के ऊपर जो बैठे हैं, सुनाई आ रही है ना? तो पानी से आपका भी आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी तो आप ही बदल के बता दो क्या सुन लिया आपने। हाँ, अगर बात बदलेगी, 13 जिले को चंबल के पानी से जोड़ने का काम 37,000 करोड़ रुपया जो हम लोग खर्च करके प्रधानमंत्री जी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल CWC माने सेंट्रल वाटर कमीशन के पास, उनके पास हमने भेज भी दिया है, उसका भी अप्रूवल हो जाएगा। तो अगली बार एक बहुत बड़ा काम 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के अलवर तक पानी लाने का काम हम लोग ने काम चालू कर दिया है। परंतु इससे ज्यादा मैं बोलना आप लोगों के सामने भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये तो स्वागत है। ज्यादा क्या बोलना, इन्होंने जो कहना था वो तो एक एक करके सब पूरा गिना ही दिया। मैंने आपको जो बचा था वो भी गिना दिया, और मैंने आपको ये भी कह दिया, आप भूल गए ये कहने को कि सब पूरे स्कूल आपके पूरे पंचायत के क्रमोन्नत हो गए हैं, जो एक एक के स्कूल है वो सब भी क्रमोन्नत हो गए। और एक बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मंत्री थे, कितने आईटीआई बनाए इस क्षेत्र के, तो आईटीआई भी आपके बन गए। तो आपको मैं अभी बताना चाहती हूँ, ये 3 बातें रोजगार के ऊपर। रोजगार के ऊपर तो 15 लाख लोगों को इन आईटीआई के द्वारा निकाल के और हर जिले के अंदर रोजगार मेला करके 15 लाख 15.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। प्रत्येक हमारी महिलाओं को, प्रत्येक बुजुर्गों को राज्य की व्यवस्था ने सारे कार्यकर्ता जो हमने लगाए थे वो तुरंत रेडी हो जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें राज 24। नमस्कार।